झारखंड के देवघर में हुए रोपवे हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन रविवार शाम से ही चल रहा है, लेकिन अब तक 20 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी है। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे जवान रोपवे ट्रॉली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोपवे के तार के कारण हेलीकॉप्टर को परेशानी हो रही है। वो सभी लोग रविवार शाम 5 बजे से 1500 फीट की ऊंचाई पर झूलते हुए ट्रॉलियों में फंसे हैं। रोपवे की ट्रॉलियों में फंसे लोगों के रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है। एक बच्ची को ऊंचे हवा में लटके ट्रॉली से रस्सी के सहारे नीचे लाया गया। ट्रॉली में फंसे लोगों तक बिस्किट और पानी के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। इसके साथ ही फंसे हुए लोगों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सोमवार सुबह सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सुबह करीब 6:30 बजे वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा। इसमें कमांडो भी मौजूद थे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने से पहले हवाई सर्वे किया गया। देवघर जिले के त्रिकूट पहाड़ पर भारत का सबसे ऊंचा रोपवे है। रोपवे की सतह से ऊंचाई लगभग 1500 फीट की है। रोपवे पर्यटकों को चोटी की ऊंचाई पर ले जाता है।